एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स ग्लोरियस वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर्ब। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डेमो रिव्यू वीडियो। ये मेरा सेकंड डेमो रिव्यू वीडियो है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो है मेकअप क्लिंजर के ऊपर। मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से आपको बताया है कैसे उसका यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सो गो एंड वॉच इट। और जो आज की वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट का डेमो देने जा रही हूँ वो है डेड सी मड पाउडर। तो इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने कहाँ से, एट हाउ मच प्राइस, और मैंने इसे अब क्या ख़रीदा तो मुझे कुछ फ्री मिला, सब कुछ बताया हुआ है। इफ़ यू गैज नॉट वॉच माई वीडियो येट सो गो एंड वॉच इट। मैं डिस्क्रिप्शन में इस पर जो वीडियो बनाया है उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसे अप्लाई करने से पहले अपने फेस पे मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी। सो फॉर दिस आई एम यूजिंग दिस टी ट्री जेंटल क्लिंजिंग फेस वॉश। अगेन मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है और उसमें सब कुछ बताया हुआ है इसके बारे में, तो आप देखिए। मैं इन दोनों के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है इन दोनों के लिंक डाल दूँगी, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट एंड यू कैन चेक आउट। इसको थोड़ा गीला कर लूँगी इस स्प्रे बॉटल की हेल्प से। आपको इसकी नीड नहीं है क्योंकि मैं अपने फ़ोन को बाथरूम में नहीं लेके जा सकती, मेरे हाथों से ना बहुत चीज़ें छूटती रहती हैं। सो अगर मेरे फ़ोन को कुछ हो गया तो आई हैव ओनली वन सोर्स टू शूट माई वीडियो, तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। आपने रमैया मस्तवैया मूवी देखी है, उसमें पता है आपको एक कैरेक्टर है जिसमें उसको जब भी उसको कोई कहता है ना कि संभल के, तो उसके हाथों से चीज़ें छूट जाती हैं। मेरे साथ तो वैसे ही होता है, कोई बोले ना बोले लेकिन हाथों से चीज़ें छूटती हैं। मेरे हाथों से भी काफ़ी चीज़ें छूटती रहती हैं, सो मैं रिस्क नहीं ले सकती अपने फ़ोन को कि मैं बाथरूम में लेके जाऊं। मैं अपने हाथों को भी थोड़ा सा गीला कर दूँगी। कभी भी फेस वॉश आप यूज़ करें तो ध्यान रखें कभी ड्राई फेस पे मत यूज़ करें, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रोडक्ट भी लगता है और आपके फेस पे ज़्यादा अच्छे से अप्लाई नहीं होता है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस इतना सा ही लेना है। आप देख सकते हैं थोड़ा ये जेल फॉर्म में है। हमेशा ध्यान रखें जेल फॉर्म वाला ही फेस वॉश लें, वो काफ़ी माइल्ड होता है, आपकी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट रखता है। एंड सेकेंड थिंग, वो आपके स्किन को हार्श नहीं बनाता है। तो हमेशा एक जेल वाला, जो जेल बेस्ड फेस वॉश हो ना, उसे ही आप हमेशा लें। आईलिड पे बिल्कुल भी इसे नहीं लगाना, वरना आपकी आंखें बहुत ज़्यादा जलने लगेगी। कभी इस फेस वॉश को तो कभी मत आईलिड पे लगाना। मैंने एक बार लगाया था और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही थी, काफ़ी रेडनेस था। सो क्या हो गया है, आई थिंक नाउ आई हैव टू वॉश माई फेस। सो यह फेस धुल लिया है मैंने, तो अब इसे हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। इसको यूज़ करने से पहले मैं बता दूँ, कुछ लोगों को मिथ है इसके ऊपर कि ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है, ऑयली स्किन वालों के लिए तो है अच्छा, लेकिन जो डिफरेंट स्किन टाइप है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, बस द वे ऑफ यूजिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी जैसे आप ऑयली स्किन वाले हैं तो अलग तरीके से इसे यूज़ करें, ड्राई हैं, नॉर्मल हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा अलग तरीका है यूज़ करने का। तो मैं आपको बताती हूँ ऑयली स्किन वाले कैसे इसे यूज़ करें। इसमें आप नॉर्मल पानी डाल लें, रोज़ वाटर डाल लें, दैट्स इट, अप्लाई कर लें। और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मतलब एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है आपकी, तो आपको रॉ मिल्क का क्रीम लेना है। हम जब रॉ मिल्क अगर फ्रिज में डालते हैं, एक दिन तक फ्रिज में रखते हैं और उसे निकालते हैं, या फिर आपने किसी बर्तन में रखा है या पैकेट में ही है, तो उसके आजू बाजू ना क्रीम जम जाता है, तो वो आपको यूज़ करना है। अगर इन केस आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आप बॉयल दूध भी यूज़ कर सकते हैं। दूध को बॉयल करने के बाद एक घंटे के बाद वो ठंडा हो जाता है, उसके ऊपर एक क्रीम लेयर आ जाती है क्रीम की, तो आप उसे भी ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रिफ्रेंस आप ना रॉ मिल्क की क्रीम को देना और थोड़ा सा दूध डाल लें। और जैसे मेरी स्किन है नॉर्मल टू ड्राई, या फिर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है, ऐसा कुछ है आपकी स्किन, तो आपको लेना है कर्ड। पूरा प्योर कर्ड नहीं लेना है आपको, कर्ड और थोड़ा सा दही का पानी भी होता है ना, वो लेना है आपको। जब हम घर में जमाते हैं तो दही के ऊपर पानी आ जाता है, तो वो थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दही दोनों में मिक्स करके, उसे इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके उसे अप्लाई करना है। मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो मैं दही यूज़ करूँगी। और जैसे जिसके आपकी स्किन अलग है तो
आप उस तरीके से इसे यूज़ करना। ये आपके बालों के लिए और फेस के लिए दोनों के लिए है, लेकिन मैंने इसे बालों पे अभी तक नहीं अप्लाई किया, मैंने फेस पे दो बार लगाया है। बाल मेरे काफ़ी लॉन्ग है तो शायद ये एक डब्बा भी कम पड़ जाएगा मेरे बालों के लिए, इसलिए मैंने नहीं ट्राई किया। अगर आपके बाल छोटे हैं तो प्लीज़ ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये कैसे वर्क करता है बालों के लिए। मुझे बालों के लिए कैसा वर्क करता है बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैंने इतना अमाउंट में लिया इसे, दही, थोड़ा सा दही का पानी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। काफ़ी थिक है ये, अभी थोड़ा सा पानी और डालेंगे दही का, थोड़ा अच्छे से मिक्स करना है इसको, क्योंकि दही के जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना वो रह गए हैं इसमें, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो यहाँ ये मिक्स हो चुका है, इसे अब अप्लाई कर लेंगे फेस पे। ये इतना बच चुका है, मैं इसे नेक पे लगाऊंगी पर वीडियो के बाद में रख देंगे 15 मिनट्स तक ड्राई होने के लिए। ये भी ड्राई हो चुका है, इसे धुलना है, पर धुलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बस सर्कुलर मोशन में आपको इसे मसाज करते हुए धुलते हुए जाना है। बस मैं आई धुल कर, मैंने अपना फेस धुल लिया है। स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकती आपको, फील हो रहा है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और क्लीन क्लीन भी लग रहा है। जैसे ये समर्स डे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ना आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाइड करता है। और समर्स में क्या होता है, आपको फील होता है कि हाँ चेहरा थोड़ा सा डल हो गया है, तो ये समर्स में तो बहुत ही अच्छा है। और ऑयली स्किन वाले तो यार बिना सोचे समझे से एक बार ट्राई करके देखो, इतना ज़्यादा अच्छे से ये वर्क करेगा आपके लिए। तो यार वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ योर फैमिली, बाय बाय।